एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तीन ऐसी टॉप की कंटेंट स्ट्रेटजी क्या हो सकती हैं अगर आप एक मसाज थेरेपिस्ट और यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बनाकर आप अपने कंटेंट को लाना चाहते हैं। तो कई बार ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार क्या बनाए, किस टॉपिक पर बात करना है। तो मैं कुछ आपको बेसिक बेसिक रूल आपको यहाँ पर समझाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रूल हैं जो आपके लिए निकलते हैं और जिन बातों के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, उसके बाद फॉर्मूला की, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की। और अगर आप भी इसे कुछ आइडियाज के ऊपर काम ऑलरेडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ पर सारी काम की जानकारी टू पॉइंट मिलने वाली है। तो चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो कंटेंट, यहां का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना होता है आपको अपने क्लाइंट के लिए। बिकॉज आप एक मसाज थेरेपिस्ट हैं, आप मसाज की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको कंटेंट क्रिएट कैसे करना होता है, तो उसका फॉर्मूला मैं यहां पर आपको बताता हूं। तो बेसिकली क्या है कि आपको तीन पॉइंट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। नंबर वन, क्लाइंट की नीड क्या है। नंबर टू, क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है। और नंबर थ्री, क्लाइंट की डिजायर क्या है। अब यहां पर मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे आप हमारे स्टूडेंट, जब भी आप हमारे यहाँ पर आते हैं तो हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि हमारे स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी नीड के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी नीड क्या होती है, वो चाहते हैं कि यार हमारी, हमें जो ट्रेनिंग है स्पा थेरेपी की, वो कम से कम प्राइस में मिल जाए। तो एक उनकी नीड हो गई। दूसरा, यार टाइम भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं लाइफ में बहुत सारे काम कर रहा हूं। अब स्पा थेरेपी को मैं 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने का कोर्स नहीं कर सकता, तो क्या ऐसा तरीका हो सकता है। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे कम से कम टाइम में सीखना है, तो ये हमारे स्टूडेंट का चैलेंज होता है, तो हमने उस पॉइंट को यहाँ पर इंक्लूड किया। और तीसरा है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मुझे ट्रेवलिंग ही ना करना पड़े और मेरा काम घर बैठे हो जाए, तो हमने उसका भी सोल्यूशन निकाला। कि आपकी जो नीड है उन चीजों को हमने समझा और उसके हिसाब से हमने अपने कोर्स को डिजाइन किया। अब आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। तो जैसे कि आपको अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम समझनी है, तो हमने आपकी प्रॉब्लम कैसे समझी है, यानी कि हमारे ऑडियंस की प्रॉब्लम हमने कैसे समझी है, तो यहां पर भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है, क्या राइट इंस्टीट्यूट से ना मुझे मसाज का कोर्स करना है, लेकिन मुझे कोई इंस्टीट्यूट मिल नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम है, यार बेस्ट मसाज ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए, सिर्फ इंस्टीट्यूट अच्छा होने से क्या होने वाला है, ट्रेनिंग भी तो अच्छा होना चाहिए। ऐसी तो ट्रेनिंग हो कि हमें आसानी से समझ में आ जाए, हम उसके ऊपर इजिली उसको अडेप्ट कर पाए और अच्छे से अपने क्लाइंट को भी कर पाए। तो ये दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा, कि भाई राइट सर्टिफिकेशन भी होना जरूरी है, क्योंकि जब आप कहीं को कोर्स करेंगे तो आप कहीं पे भी जॉब लेने जाएंगे या फ्रीलांसिंग करेंगे या स्पा सेंटर खोलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो सर्टिफिकेशन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और उसका अपना एक रोल होना जरूरी है। तो इस तरीके से हमने आपकी प्रॉब्लम का एनालिसिस किया। अब बात करते हैं डिजायर की, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके क्लाइंट की डिजायर क्या हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, हो सकता है आपका क्लाइंट ये चाहता हो कि यार जो थेरेपिस्ट को मैं फोन करूं, नंबर वन पे प्यार से बात करे, दूसरा वो टाइम पे पहुंचे, वगैरह वगैरह। तो ये मैं उन डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं यहां पर आपकी डिजायर के ऊपर डेफिनेटली बात करूंगा कि भाई आपकी डिजायर ये हो सकती है यार हमें जॉब भी मिल जाए, या फिर हम, हमारी डिजायर ये है कि हम ना स्पा का कोर्स करके हम फ्रीलांसिंग चालू करना चाहते हैं, तो वो कैसे करना है, उसका पहला कदम क्या होता है, तो वो आपकी डिजायर हो सकती है। तीसरा है कि मुझे स्पा सेंटर खोलना है, तो मुझे वो कैसे खोलना होता है। तो आई थिंक ये बड़ा ही मैजिकल फॉर्मूला है, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मूले में आपको अपने क्लाइंट की नीड समझनी है, आपको अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम समझनी है, और आप अपने क्लाइंट की डिजायर समझनी है। तो इस तरीके से नीड, प्रॉब्लम एंड डिजायर से तीन टॉपिक हो गए, और तीनों के अंदर में तीन तीन टॉपिक है, यानी कि 3, 6 और 9, टोटल 9 टॉपिक हो यहां पर आपके बड़ी आसानी से बन जाते हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि जितना डेप्थ में आप जाते जाएंगे उतने ही ज्यादा आपको टॉपिक मिलते चले जाएंगे। अब यहां से अगला कदम आप क्या कर सकते हैं, तो मैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहला तो आप स्टेप ये ले सकते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर अगर आप चाहते हैं यार मसाज थेरेपी में स्कोप तो अच्छा दिख रहा है और आप उसको सीखना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप हमारे वेबिनार में अटेंड कर सकते हैं। और ये वेबिनार फ्री नहीं होता है, बेसिकली इसका 999 रुपया चार्ज है, लेकिन पहले 10 एक्शन टेकर के लिए ये बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप उन पहले 10 लोगों में हैं और आप अभी जाकर उस लिंक पे रजिस्टर करते हैं, तो आपको ये जो वेबिनार है जो ऑनलाइन होता है, आप इंडिया के किसी भी कोने में है वहां से आप अटेंड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा, लेकिन आप पहले 10 एक्शन टेकर में से होने चाहिए। और तीसरा स्टेप आप यहां से क्या ले सकते हैं,
ताकि अब आपको ये तो पता चल गया है कि बड़े ही कोर कंटेंट पे यहाँ पर बात होती है, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज यहाँ पर सब्सक्रिप्शन से बेनिफिट आपको क्या होगा कि ना सिर्फ हम कंटेंट की बात करने वाले हैं, हम YouTube के ऊपर आप किस तरीके से अपने क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं वो सारी स्ट्रेटेजीज हम आपको धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में भी बताने वाले हैं। और अगर आप किसी वीडियो के ऊपर टॉपिक देख किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो नीचे कमेंट में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो यहाँ पर बना दूं। तो यहाँ पर हमने जो आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर किया है आज, तो तीन ऐसी कंटेंट स्ट्रेटेजी हमने आपके साथ शेयर की है जो एक मसाज थेरेपिस्ट को 100% पता होना चाहिए और उसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।